ओह ये देखिए, ओह का उसके बाद में भी इसे ये उगलना पड़ रहा है, तो हमको ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, इतनी देर से इसको अंदर। भैया मऊ अभी आओ है, कन्फ्यूजन ये थे कि नहर क्रॉस करना है या किनारे किनारे जाना है, ये समझ नहीं पाए। दोस्तों देख सकते हैं आप, बहरू के पास में, बहरू एक गांव है जो कि लखनऊ काकोरी में, काकोरी में या लखनऊ में, काकोरी कस्बा के पास में लगता है। ये बहरू लखनऊ में आता है ना, खानपुर मऊ। अच्छा दोस्तों, विलेज का नाम है पूरा खानपुर मऊ। बहरू में हम करीब 4-5 साल पहले रेस्क्यू करने आए थे, जो कि काफ़ी अंदर गांव था। एक बार फिर से तो लोकल काकोरी से करीब ये पश्चिम साइड में पड़ता है गांव, 12 किलोमीटर। तो दोस्तों देख लिए ये, यहां पर क्योंकि धान वगैरह की बोरियां रखी हैं तो इस वजह से, ओह ये देखिए, ओह काफ़ी युवा है और काफ़ी खूबसूरत भी है, ओह और इसने कुछ खाया हुआ है। दिक्कत ये है दोस्तों कि जब कोई सांप कुछ खाया हुआ होता है तो हाँ, तो बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। जो भैया हम लोग तो आसानी से जो है, तो दोस्तों जानकारी थोड़ी हम बाद में दे देंगे, पहले इसको पैक कर ले वरना ये उगल देगा अभी खाना और इसकी पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तो इसको पैक कर लेते हैं हम, और बहुत सावधानी से करना पड़ेगा वरना ये चूहा है। चलो 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 सारा। दोस्तों कोशिश थी मेरी कि ये ना निकाले उगले, और लेकिन ये निकालने के लिए तैयार है और हमें पसंद नहीं है इस तरह की चीज़ें। मैंने बिल्कुल भी इसको परेशान ना करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये सच बताओ दोस्तों तो हमको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पता नहीं कब से ये भूखा हो और इसको भोजन मिला है, उसके बाद में भी इसे ये उगलना पड़ रहा है, तो हमको ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, इतनी देर से इसको अंदर कर रहे हैं, जा भी नहीं रहा है और शायद डर की वजह से ये अब अपने भोजन को बाहर निकालना चाह रहा है। तो हो सकता है अगर हम इसे पैक भी कर लेते तो भी ये शायद थैले में मेरे अपने खाने को उगल देता, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ भी है कि थैले में रखने के बाद हमने कोशिश की है कि थैले में रख करके उसको जल्दी छोड़ दें, उसके बावजूद भी सांप ने क्या किया है कि अपना खाना उगला है। तो दोस्तों ये खाना इसलिए उगलते हैं क्योंकि कि इन्हें हल्का होकर के भागने की कोशिश करनी होती है कि ये भाग सकें और अपनी जान बचा सकें, क्योंकि ये खाने के बाद में सुस्त पड़ जाते हैं और अब ये उगलने के बाद में काफ़ी एक्टिव हो जाएगा और ये भाग सकता है। तो ये भोजन इतनी आसानी से नहीं मिलता है और ये इसके लिए कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, लेकिन ये इसको उगलना पड़ा है, इसके लिए हम बहुत बहुत दुखी हैं दोस्तों। कमाल
तो आज का रेस्क्यू तो हुआ लेकिन मज़ेदार नहीं हुआ, इसलिए कि सांप का जो भोजन था वो उसको निकालना पड़ा। और जैसा कहा जाता है कि हम लोग तो जब भी चाहें भूख लगी खाना पका के खा लें, लेकिन जीवों को क्या है खाना ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में ये भी होता है कि उसको जो भोजन मिला है किस स्थिति में मिला है, यानी वो कितना भूखा था। ऐसा तो नहीं वो मरने की स्थिति में था तब उसको खाना मिला, उसके बाद में खाना खाने के बाद में उसका वेनम वेस्ट हुआ यानी जहर, उसके बाद में फिर उसको ताकत जो लगी खाने में फिर निकालने में ताकत लगी। तो ये चीज़ें हैं, तो रेस्क्यू हुआ ठीक है अच्छी बात है, बस उसका खाना जो था वो उसने निकाल दिया, इसलिए मेरे लिए ये जो रेस्क्यू था वो सफल नहीं कहेंगे इसको हम। इसको सफल तभी होता है जब सांप जो खाए हुए हो उसको वो ना उगले। तो कभी भी यहाँ पे कोई सांप काटे या बाइट हो तो सीधा अस्पताल जाइएगा और नंबर मेरा ले लीजिए, वो दिक्कत हो स्नेक बाइट अगर हो जाए तो आप हमें। इसको गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ने जा रहे हैं। आप पानी है और पानी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आ रहा अभी, या नहीं यूँ कह सकते नहर आ रही है जैसे कहते हैं, तो यहाँ पे छोड़ देंगे। और ये देखिए पानी में बढ़िया ठंडा ठंडा ये चला जाएगा, उस साइड में छांव है अच्छी सी, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, बहुत प्यारा। और जूम करो, जैसे हमको लगता था कि ये उस साइड जाएगा क्योंकि उस साइड छांव है, और लगभग ये 10 से 12 15 मीटर की नहर है। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा।